मोहम्मद अरशद नाम का एक लड़का है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, जो कि ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म में टीम लगाकर जो है 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं, जो बार बार लगा रहे हैं इस तरह का, मतलब पैसा घुसा रहे हैं, कोशिश करता रहना चाहिए ना। और सपनों में अगर जान हो तो वो साकार भी होता है। ठीक ना भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं, आप जो है उनका गुरु है और आपका नहीं पता, नहीं, उनका पता तो जलन हो रही है, जलन नहीं है इस तरह से, तो नहीं है ना। बहुत लक की बात है ना, आप मानते हैं कि लक की बात है ना, किस्मत जो है खुल गया और अचानक जो है रातों रात करोड़पति बन गया, ऐसा कभी सुने थे? मैं तो सोए ही नहीं खुशी के हमारा। ये देखिए, ये सोने वाली बात है, तो मतलब आसपास का जित। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम है और आप देख रहे हैं साइलेंट इंडिया। किस्मत यह एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत कम लोगों को भरोसा भी होता है और नहीं भी होता है, और जो है ये भरोसा करने वाला शब्द है भी और नहीं भी, मतलब कन्फ्यूजन है इसमें। लेकिन आज आपको जो दिखाएंगे उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आजकल जो है, आजकल युवाओं के बीच में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन, जहाँ पे युवा और लोग जो है वहाँ पे अपना टीम बनाते हैं, मतलब 40 रुपये या 50 रुपये का लगता है उसमें, और जो है वो टीम क्रिएट करते हैं और उसमें जो है एक आदमी को जो है करोड़ों के हिसाब से पैसा मिलता है। तो ऐसा ही एक मामला कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के रतनिया गांव से है, जहां पे मोहम्मद अरशद नाम का एक लड़का है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, जो कि ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म में टीम लगाकर जो है 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। तो अभी अभी जो है फिलहाल वो दिल्ली से आए हुए हैं और थोड़ा सा घबराया हुआ भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना सारा पैसा एक साथ आना और घबराना ये एक स्वाभाविक है और हर किसी को ये जो है हो सकता है। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कब से इस खेल में जो है खेल रहे थे, इस खेल को खेल रहे थे, और कब जो है मतलब इनको क्या ये इसको इस चीज़ में एक्सपीरियंस है या फिर अचानक सा हुआ या किस्मत कहें जो भी। तो क्या सबसे पहले अरशद भाई, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, और जो है क्या आप कब से खेल रहे थे ये गेम? 3 साल से खेल रहे थे। तो आपको कब मतलब जो है जो कल रात की जो है ड्रीम इलेवन में आपने 1.5 करोड़ रुपए जीता है, तो आप ये कब देखा था और किस समय आपको मतलब पता चला कि आप जो है 1.5 करोड़ रुपए जीत गए हैं, नंबर वन पे हैं? 10:30 बजे के टाइम टीम चेक किए थे, तो उसी टाइम 3 नंबर पे था। अच्छा। 33 नंबर पे, उसके बाद फिर चेक होते रहा तो 1 नंबर पे से नीचे नहीं आए, वहीं से हो गया पूरा एक ही नंबर से। तो कब लगाए थे ये टीम आप क्रिएट, कब बनाए थे? कल बनाए थे कितने बजे? कल बनाए थे 7:30 बजे बनाए थे, 7:30 बजे। कल 7:30 बजे ये टीम आपने बनाया और जो है आप 10 बजे चेक किए तो आपको पता चला कि आप जो है 1.5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं ना। तो अब आज आप जो है दिल्ली से भी घर आए हुए हैं, तो क्या अब आगे का क्या प्लानिंग है? आप 1.5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं और आप जो है काफ़ी एक पिछड़ा जो है परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आगे की क्या प्लानिंग है कुछ ऐसा? घर बनाना है अच्छा से। और घर के अलावा कुछ प्लानिंग है? सपनों को पूरा करना है, पूरा करना। एक तो देखिए सपना, तो देखिए एक चीज़ है कि हम आप लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि सपना अगर देख जो देखता है और सपनों में अगर जान हो तो वो साकार भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही है। और ये उनका पिता है जो है मोहम्मद अरशद का पिता है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या इस चीज़ के बारे में उन्हें मालूम था और एहसास था। थोड़ा चेहरा खड़ा हो जाइएगा थोड़ा सा। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अब्दुल रशीद। अच्छा, क्या इस चीज़ के बारे में आपको कब पता चला कि आपका बेटा जो है 1.5 करोड़ रुपये जीता है? आज रात दो बजे आपको खबर आई थी, यानी कि भोर के टाइम में। भोर के टाइम। तो आपको कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा कि मेरा बेटा जीत गया। तो फिर आपने क्या अपने बेटे को मतलब खुद आप बुला लिए घर या फिर जो है? हाँ, फोन पे फोन के द्वारा कहे कि जल्दी आ जाइए, और उसके बाद मेरा एक लड़का दोस्त बेटा के नाम से है, उनको भेजे कि तुम वहाँ चले जाओ दिल्ली और उसको सेव करके तुम वहाँ से आओ हवाई जहाज से। इस सब के बारे में आप मतलब कभी पहले सुने थे कि इस तरह का कोई चीज होता है और अचानक जो है मतलब एक अचानक लग मतलब लग किस्मत जो है खुल गया और अचानक जो रातों रात करोड़पति बन गए, ऐसा कभी सुने थे? नहीं सुने थे। तो ये पहली बार आप सुने? सुने क्या मतलब आपके घर में आ गया, आ ही गया, आपका सपना साकार हो गया। अच्छा, कैसा रहा आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड, कैसा, कितना बेटा है आपका? 3 लड़का है 2 लड़की है। और लड़का लड़की सबका शादी हो गया? लड़की दोनों का शादी हुआ, एक लड़का का शादी हुआ। और ये सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है, छोटा लड़का है, छोटा लड़का। अच्छा, ये क्या करता है आपका लड़का? ये दिल्ली में सिलाई मशीन का काम करता है। सिलाई मशीन का काम करता है। अच्छा, आप जो है सिलाई मशीन का काम कहाँ पे करते हैं दिल्ली में? तुगलकाबाद में।
अच्छा ये बताइए कि इस चीज़ में आपको बहुत एक्सपीरियंस, 3 साल से कह रहे हैं जाहिर है कि एक्सपीरियंस होगा, तो क्या एक्सपीरियंस के आधार पे आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस के आधार पे जो है आपका लॉटरी फंसा है ड्रीम इलेवन में, आपको जो है आप जीते हैं, या फिर ऐसे ही है तुक्काबाजी एक होता है उस तरह से कुछ? लक की बात है, लक की बात है ना, आप मानते हैं कि लक की बात है ना, लक पे भरोसा करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी और कि हर किसी को, हम आपको जैसा शुरुआत में बताया ना कि बहुत कम आदमी को होता है लक पे विश्वास होता भी है, और बहुत कम आदमी होता है जो जिसको लक पे विश्वास नहीं होता, लक खुद बनाने का कोशिश करता है, लेकिन होता है किसी किसी का जब लक साथ दे देता है तो उसका सपना भी पूरा हो जाता है। तो ऐसा ही मोहम्मद अरशद के साथ हुआ। तो हम इनसे और ज़्यादा जो है बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि रोजे से भी है अरशद भी और हम भी रोजे से हैं तो थके हुए हैं, तो ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। लोगों से हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है कैसा उसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो। क्या नाम होगा चाचा आपका? मकसूद आलम। आप इसी गांव के हैं जी? क्या कहना चाहेंगे आपका गांव का एक लड़का जो है 1.5 करोड़ रुपए जीत कर जो है आया है? हाँ, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत खुशी नहीं है ना, खुशी हो रही है ना? बहुत खुशी। अच्छा, बहुत खुशी है आपको जो है। क्या नाम होगा आपका? मसीर आलम। मसीर आलम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और भी दूसरा लड़का सोचे जो हम भी खेले, लेकिन ये एक तरह से तो मतलब खुशी की बात है, और दूसरा लड़का के लिए आप जो बता रहे कि इंस्पिरेशन है, लेकिन ये एक चीज जो है ये एक सट्टाबाजी है, समझे? तो ये किस्मत कह लीजिए, है ना, किस्मत की बात है, इसकी किस्मत है। ऐसा मत बोलिए कि और लड़का खेले इसको, ये क्योंकि सट्टाबाजी है, ये किस्मत की बात है, जो खेल रहा है इसका किस्मत में था, फंस गया, फंस गया, फंसना भी चाहिए। तो और आपका गांव का जो है मोहम्मद अरशद को मुबारकबाद वगैरह? हाँ, मुबारकबाद, धन्यवाद। खुशी है ना? खुशी है बिल्कुल। और देखिए जैसा गाँव का माहौल है तो लोगों को भी खुशी है। और आप कौन है इनका? वो मेरा ब्रदर है, छोटा भाई। छोटा भाई है? अच्छा, आप ही मोहम्मद अरशद का बड़ा भाई है? नहीं, मैं चचेरा भाई। चचेरा भाई है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद महमूद आलम। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत बड़ी खुशी हो रहा है, मेरा साथ में चल रहा था, फिर रहा था, हम इसको बता रहे थे सब चीज। अच्छा, हाँ, आप तो सिखाने का काम कर रहे थे क्या? जी जी जी। अच्छा, मतलब आप ड्रीम इलेवन का गुरु, आप उसका आप ही है ना? तो आप बधाई बधाई दिए कि नहीं दिए? अभी तो आए हम। ना भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जो है उनका गुरु है और आपका नहीं पता, नहीं, उनका पता तो जलन हो रही है। जलन नहीं है, इस तरह से की तो नहीं बात है ना? हाँ, बहुत खुशी की बात है। आप मेरा चचेरा भाई है, फिर भी मतलब बहुत परेशानी में था बेचारा, बहुत परेशानी में था। कैसा घर का स्थिति वगैरह कैसा है? बहुत स्थिति मतलब कम मस्ती भी था, मतलब स्थिति खराब था। सपना साकार होगा इसका, यही घर है उनका, उनका यही घर है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये घर आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद अरशद का ही घर है, और ये पूरा घर मोहम्मद अरशद का है। हालांकि अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, तो अब बाहर से आप देख सकते हैं टाली का घर है, और ये बहुत कम लोगों का अभी जो है, अभी के टाइम में बहुत कम लोगों का घर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, टाली जैसे घर। और जो है अभी तो हर तरह बिल्डिंग ही है। अब कोई बात नहीं, अब जो है मोहम्मद अरशद भी अब जो है 1.5 करोड़ रुपये जीत चुके हैं, अब ये टाली से जो है दीवार हो जाएंगे, अब जो है बड़ी, और गाँव के लोगों में भी खुशी की बात है ना। और अरशद भाई, लास्ट सवाल आपसे, क्या और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई वैसा बात या कोई ऐसा इच्छा या कुछ आगे करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, या युवाओं को कुछ बोलना चाहते हैं जो बार बार लगा रहे हैं इस तरह का मतलब पैसा फंसा रहे हैं? कोशिश करता रहना चाहिए ना, मतलब कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, और कोशिश करते रहने से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छा, आप लाने गए थे, क्या नाम हो गया आपका? जमशेद आलम। जमशेद आलम, आप कहाँ उसको एयरपोर्ट जो है पिकअप करने गए थे? जी हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लगा, हमें तो रात 3 बजे कॉल आया था। अच्छा, क्योंकि लगाया था हमने भी, देखा तो उसका फोटो तो देखा नहीं, फोटो नहीं आया था उसमें? हाँ। नहीं, फोटो आया था उसका, लगा हुआ था, तो विनिंग में देखे नहीं, स्कोर देख के एक नंबर पे कौन है देख के हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद से अब 3 बजे फोन आ गया, कह रहा है कि अरशद एक नंबर में आ गया। मैंने बोला अरशद हमारा गांव वाला भाई, कह रहा हाँ वही। बहुत खुशी हुई, उस टाइम से तो सोए ही नहीं खुशी के हमारे। ये देखिए, ये सोने वाली बात है। तो मतलब आसपास का जितने भी लड़का युवा लोग, जितने लोग भी जाने हैं भोर के टाइम में शेरी खाने के बाद में, बल्कि यहाँ तक कि मैं भी जब जाना था 3 बजे के बाद, तो उस समय से मुझे सुबह तक 5-6 बजे तक नींद नहीं आई। ये भी नहीं सोया? हाँ। ये छोटा सा बच्चा है, ये भी नहीं सोया? ऐसा है कि मतलब नींद नहीं आया। हाँ। बहुत किसी का नींद उड़ गया है, और जाहिर सी बात है अचानक इतना बड़ा अमाउंट आ जाएगा तो पूरे एक थैल का यहाँ। और
बधाई उधाई तब दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बधाई काहे नहीं देंगे, अपना गांव का जीता, सिर्फ सुनते थे फलाना गांव में जीतता है, इधर उधर जीतता है, आज अपना गांव में जीता है तो दिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात, अपने गांव में देख लिया है ना। बिल्कुल। तो ये था मोहम्मद अरशद की कहानी, और जो है अभी दिल्ली से आए हुआ है, और अब उनका देख सकते हैं मोहम्मद अरशद का घर, और जो है उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साइलेंट इंडिया। जय हिंद।